श्रावण मास का पहला सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां दर्शन के लिए मंदिर समिति के नियम कायदे तय किए हैं, उन्हीं के तहत श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। शिव भक्तों का श्रावण, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, दो गज की दूरी के साथ शिव के दर्शन, पुष्पों से सजा शिव का दरबार। मंदिरों की नगरी उज्जैन में आम दिनों में भी भगवान महाकाल के भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे में शिव के श्रावण मास में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में यहां श्रद्धालुओं को सुबह 5 बजे से प्रवेश दिया गया। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती शुरू हुई। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना जाता है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। कोरोना के कारण सवारी मार्ग बदलकर छोटा कर दिया गया। सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। श्रावण का पहला सोमवार भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन नगर में पहले सोमवार के भगवान महाकाल की भव्य पूजन आरती और भस्म आरती संपन्न हुई। भगवान का पंचामृत पूजा परंपरा अनुसार, साथ ही भगवान का श्रृंगार, और आज विशेष सोमवार होने से भगवान महाकालेश्वर को बेलपत्र 1008 बेलपत्र की माला भी भगवान पर अर्पण की गई। भगवान को भांग से श्रृंगार करते हुए भस्म आरती का भगवान की आज संपन्न हुई। श्रावण माह का पहला सोमवार होने के कारण आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मजीरे, ढोल नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। यहां भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध है। यहां दर्शन के लिए मंदिर समिति ने श्रद्धालु के लिए समय तय किया है, जिसके तहत सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक एवं शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही दर्शन हो सकेंगे। बता दें, श्रावण माह में प्रतिदिन 5,000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही वीआईपी शुल्क 250 की भी व्यवस्था की गई। यहां विशेष प्रोटोकॉल के माध्यम से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। वीआईपी शुल्क 250 रुपए सोमवार को लागू नहीं होगा। यहां नियम कायदों के तहत उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसीलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। श्रावण मास है और श्रावण मास का सोमवार है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन है और शिव आज अपने भक्तों को मनमांचित फल देते हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है। और सोमवार के दिन जितने भी भक्त भगवान शिव की आराधना अपने सच्चे मन से करते हैं, यहाँ अवंतिका में भी आते हैं या जो भी ज्योतिर्लिंग है जहाँ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना आराधना करते हैं, तो भगवान महाकालेश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं।